चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोरोना पर जानकारी दी। प्रेस वार्ता में सारंग बोले, चन्नी के बयान पर प्रियंका ने कहा कि उसे तोड़ मरोड़ कर जारी किया। प्रियंका गांधी खुद सामने बैठी थी, ताली बजा रही थी। ये शर्मनाक है, अब इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा सुनिए। अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपने राजनीतिक जमीन ढूंढने में लगी हैं। कमलनाथ जी ने उन्हें घर बिठा दिया। कमलनाथ जी कांग्रेस में उन्हें किसी भी तरह की एंट्री देना नहीं चाहते। और यदि वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो 10 साल के अपने कार्यकाल और 15 महीने की जो उनकी रिमोट की सरकार थी, जो कमलनाथ जी चला रहे थे, उसके बारे में ज़रूर बता दें। उस समय की अर्थव्यवस्था और उन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार को प्रक्षय और संरक्षण दिया, इसके बारे में भी बता दें। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि नफरत से देश खतरे में, भाईचारे से बीजेपी खतरे में। अब देखिए, दिग्विजय सिंह तो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना उनकी जिंदगी का ध्येय है। इस देश में अलगाव, इस देश में भटकाव, इस देश में बंटवारा और जाति और धर्म के नाम पर लोग लड़े, ये दिग्विजय सिंह जी का एजेंडा है। और ये केवल दिग्विजय सिंह जी का एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान के एजेंडे को वो हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देने और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने का काम करने वाले नेता के मुंह से भाईचारे की बात शोभा नहीं देती। मुझे लगता है कि केवल और केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। सर, बिहार के लोगों को लेकर जो बयान दिया था, उसका प्रियंका गांधी अभी ये कह रही हैं कि वो तो तोड़ मरोड़ के बयान हवाला। सामने बैठी थी प्रियंका गांधी, ताली बजा रही थी प्रियंका गांधी, बातें करती हैं यूपी में जाके यूपी की, पंजाब में जाके पंजाब की। इससे ज्यादा शर्मनाक का क्या होगा? इस संवैधानिक देश में, फेडरल सिस्टम में, जहाँ पर संघीय ढांचा है, इस तरह के यदि बयान आएंगे तो इससे और शर्मनाक क्या हो सकता है? चन्नी जब ये बात बोल रहे थे तो प्रियंका गांधी भी तो सुन रही थी, खंडन क्यों नहीं किया? ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका खामियाजा ना सरकार, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमारा मानना है कि हमारी सरकार, में बहुत बधाई दूंगा केंद्र सरकार को, कि केंद्र सरकार हर स्तर पर जो भी आम नागरिकों की जान बचाने के उपाय हैं उसको लागू कर रही है। और जिस प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नए प्रावधान स्थापित किए हैं, वो निश्चित रूप से एक्सीडेंट के समय जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसमें रोकथाम करेंगे। उससे पहले भी मोटर व्हीकल एक्ट में, चाहे सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने की बात हो, हर सेगमेंट की गाड़ी में सीट बेल्ट लगाने की बात हो, इन सब पर बहुत अच्छा काम किया गया है। निश्चित रूप से इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, पंजाब में जो